हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट शो कराने हैं तो कैसे करा सकते हैं। जब आप कोई भी एक नया फ़ोन खरीदते हैं और उसमें आपके कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहे हो तो उन्हें कैसे शो कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट शो करा सकते हैं। तो आपको अपने कॉन्टैक्ट शो करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन मिल जाता है कॉन्टैक्ट नाम से, इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप से ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा होता है और आपके कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहे होते हैं। तो अपने कॉन्टैक्ट शो करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले थ्री डॉट पे जाएंगे, कस्टमाइज व्यूज पे जाएंगे। यहाँ से आपको अगर ऑल व्यूज कॉन्टैक्ट पे हो तो इसे आप सेव कर देंगे ऑल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके। ऑल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके सेव कर देंगे। इधर थ्री लाइन पे जाएंगे, यहाँ से आपको ऑल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट शो हो जाते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट फिर भी शो ना हो तो यहाँ से आपकी जो मेल आईडी है इस पे जाएंगे। यहाँ से आप मेल आईडी, जिस भी आईडी में आपके कॉन्टैक्ट हो तो सिंपली आप उस आईडी को सेलेक्ट कर देंगे और आपके सारे कॉन्टैक्ट शो हो जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने अपनी आईडी शो कर दी और आपके सारे कॉन्टैक्ट आपको हैं देखने के लिए मिल जाते हैं ऑल कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते ही। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट शो करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।